हमारे पास ऑल न्यू थार, रिबन शिबन सब लगे हुए हैं, नंबर प्लेट वगैरह कुछ नहीं लगी है, टेम्परेरी नंबर पे गाड़ी जितना हमारे पास आई है, करोल बाग में काम होने हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाड़ी के हेडलैम्प से। तो हेडलैम्प भैया ने स्टॉक रखे हैं, बस इसके अंदर एच आई डी हमने और इंस्टॉल कर दिए हॉर्सेस की। ये देख लीजिए इसका ब्लास्टर, वही हम बात करें थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे फॉग लैंप बिल्कुल भी जो कम थार में आते हैं ना उन्हें बिल्कुल जान नहीं होती है। तो इसकी जगह पे हम इन लोग इंस्टॉल कर रहे हैं अपना आईपीएच का प्रोजेक्टर। ये देख लो भाई, 3 इंच का आईपीएच का प्रोजेक्टर है, इसका थ्रो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ये फ्रेम हमारा थार का इसके अंदर लगा दिया भैया ने, है ना भैया, थार का ही फ्रेम लग गया, कोई छेड़खानी नहीं करनी पड़ी, सीधा सीधा फिटमेंट है। ठीक है भाई, कोई कटिंग वटिंग नहीं है, देख लो ये थार के फ्रेम का भैया ने बिल्कुल डाला है 3 इंच का, बिल्कुल जीरो फिटमेंट के साथ। लो भैया लगा दो, ये लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसका थ्रो भी साइड प्रोफाइल पे स्विच करे तो वॉसन के अलावा आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं गाड़ी के साथ, जो गाड़ी की लुक को इनहेंस कर रहे हैं। और ये वाले जो डिज़ाइन है ना, ये वाला डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है इस टाइम, काफ़ी सारी गाड़ियों में जो है नज़र भी आया था। ठीक है, अब हम गाड़ी के जो है रेयर पे चलते हैं। अंदर जाने से पहले पीछे एक बार रेयर पर आए थे, रेयर की बात करें, रेयर पे भैया ने जो यहाँ पे पहले टेल लैम्प की गार्निश लगाई है, उसके बाद जो है यहाँ पे रिफ्लेक्टर यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर थार मेंशन है थार। और यहाँ इस साइड पे जो है काम चल रहा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। भैया क्या क्या कर रहे हो? अच्छा, हो गया काम, रिफ्लेक्टर लगा दिए भैया लोगों ने थार की बैजिंग वाले। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के इंटीरियर पे कि गाड़ी के अंदर जो है क्या है काम हो रहा है। हम बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर पे, तो भैया गाड़ी के इंटीरियर पे क्या काम हो रहा है? सीट कवर लग रहे हैं, 70 मैट डलेंगे, हेड यूनिट नहीं डलेगा। चलो मैं देख लेता हूँ गाड़ी के अंदर आपको लेके चलो। तो यहाँ पे भैया बता रहे हैं कि हेड यूनिट हमारा स्टॉक रहने वाला है, स्टॉक हेड यूनिट रहेगा, और उसके साथ जो हमारे कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। कंपोनेंट इंस्टॉल करेंगे भैया हम गाड़ी में, इन्फिनिटी की कंपोनेंट इंस्टॉल करें, दो पेयर की, एक पेयर, एक पेयर और एक कोएक्सल, कोएक्सल नहीं किया, एक पेयर की इन्फिनिटी का, ठीक, साउंड ब्लास्ट का एम्पलीफायर, ठीक। चलो ठीक है भैया, ये मैंने बता दिया यहाँ पे सारा सामान जो जो गाड़ी के अंदर जो है इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं आपको गाड़ी में एक बार अगेन फिर से इंटीरियर पे ही लेके चलूँगा दिखाने के लिए। यहाँ हमारे भैया कर रहे हैं ट्विटर की प्लेसमेंट, जो कि हमारी डिमांड थी इधर लगाने की। हेड यूनिट की बात करें, हेड यूनिट इसके अंदर भी कोई आया था, हेड यूनिट स्टॉक कुछ था, ये डलेगा कि आया था, ठीक है। तो ये है इसका फ्रेम थार का, जिसके अंदर हेड यूनिट नहीं आया था, ठीक है। अभी भैया ने जो है हमें हेड यूनिट दिखाया है, जो कि चेक करेंगे पहले डालने से पहले। 2 से 3 तरह के हेड यूनिट है, जो भैया को पसंद करने हैं उसके बाद जो है इसके अंदर हेड यूनिट डलेगा, ठीक है। ये हमारे इन्फिनिटी कंपोनेंट। सो बाहर अपना काम चल ही रहा है गाड़ी का, और यहाँ हमारी थार की सीट्स रेडी हो चुकी है, मैं कुछ चेकआउट करवा देता हूँ। ये हमारी दूसरी सीट है, और ये हमारी रेयर की सीट। वो हमारी थार रेडी होती है। तो भाई यहाँ पे हमारा सिस्टम हो गया सिलेक्ट, एंड्रॉयड लग रहा है आपके, एंड्रॉयड अपने आप जो है पे इंस्टॉल कर रहे हैं। बेस मॉडल में जो है गैप आता है सिंगल डिन के लिए, ठीक है, जो कंपनी लगा के नहीं देती है, बेस मॉडल है थार का बेसिकली। तो फ्रेम के साथ जो है पूरा यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। अब जो है इसकी यहाँ पे कंपोनेंट जो हमने फिट करें, इसकी जो है प्रॉपर हाउसिंग फिट करेंगे, और गाड़ी अपनी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट है। मैं आपको दिखाऊंगा इसका पूरा प्रॉपर बम्पर टू बम्पर। सो यहाँ पे आ गए हैं हमारे पीछे का आर्मरेस्ट आ गए हैं पूरे, जो फेंडर के ऊपर का एरिया होता है, तो बेसिकली उसके ऊपर जो है ये चीज़ इंस्टॉल करते हैं। पीछे का जो एरिया होता है बेसिकली वो किसी काम का भी नहीं होता ना भैया, टायर के ऊपर का ना, नहीं वो एक्स्ट्रा ही रहता है, वो ऐसे फ्री होता है, वो आर्मरेस्ट लगने के बाद उनका हाथ में रखने के कंफर्टेबल हो जाएगा, ग्लास होल्डर लगे तो पीने के लिए। अरे लो भाई, ड्रिंक पीने का। सो यहाँ पे हुई अपनी थार पूरी तरह कम्प्लीट। तो विजय भैया कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? भैया बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, स्टार्ट करते हैं गाड़ी के बम्पर से, कैसे काम हमने क्या है काम किया इसके अंदर, स्टार्ट कर रहे हैं बम्पर से बताओ भैया पूरा, बम्पर टू बम्पर। भैया जो अलाइबल है इन्होंने ये बाहर से लगवाया, हमने पहले लगाया, ठीक है, ठीक है। जो मैं पहली चीज जो हमने नहीं किया वो नहीं, ठीक है। अच्छा, जो बड़ी दूर से दिख रहा है रेन वाइजर, हाँ जी, जो कि ये हमारे पास लगा है, ठीक, महिंद्रा का जेन्युइन, ठीक। दूसरी इसके अंदर एच आई डी लगा है, जो कि हॉर्सेस कंपनी की है, ठीक है भैया, ठीक है। इसके बाद ये फोक लाइट नहीं, फोक लाइट का हीरो है IPS की प्रोजेक्टर, ठीक। इसके अंदर भी हमने हॉर्सेस का एच आई डी लगाया है, आप जहाँ इसको ट्राई करना हो वहाँ चला के ट्राई कर। तो ये फॉग लैंप का हीरो बता दिया आपने, अच्छा लो, ये तो होगी भैया हमारी फ्रंट प्रोफाइल। तो भैया रियर प्रोफाइल पे क्या काम किया अभी हमने इसके अंदर? रियर प्रोफाइल पे इसके अंदर हमने लगाया है फुल एच डी कैमरा मूविंग गाइडलाइन के साथ, ठीक है, जो आपको दिखेगा नहीं। भैया नीचे जूम करके दिखाया था आपको, ठीक है भैया।
दूसरा इसके अंदर हमने रिफ्लेक्टर लगाया है, जो कि अभी आप वो भी चला के देख लीजिएगा हार के साथ। ठीक है भैया, ठीक है। इंटीरियर पे क्या काम हुआ अभी इसका? इंटीरियर पे भैया इसके अंदर हमने सबसे मेन सीट कवर लगाया है। सीट कवर देख लो भैया, सामान भैया ने पूरा पैक कर दिया यार। हमने इसके अंदर आर्मरेस्ट डाला जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। अच्छा भैया, ये आर्मरेस्ट दोनों तरफ लगे हैं? दोनों तरफ लगा है, उधर सामान काफी आ गया। हाँ, इसके बाद इसमें दोनों तरफ नहीं सेंटर में लगा है। तीसरा आर्मरेस्ट जो है वो सेंटर की है, ड्राइवर और को ड्राइवर के बीच में। ये भैया सेंटर पे आर्मरेस्ट डाले जो की ड्राइविंग के टाइम काम आएगा व्यूअर्स। हाँ जी, तीसरा मैंने डीवास का स्टूडियो लगाया है, जो भी मैं हर आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि इससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक भैया, ठीक है। अभी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट इन्फिनिटी का है। ठीक, और आपको पीछे कोएक्सल है, आगे कंपोनेंट है। ठीक, और पीछे डिग्गी में वूफर है हमारा, डिग्गी में इन्फिनिटी का वूफर है। ठीक है भैया, प्राइमस का। ठीक भैया, तो आज इस गाड़ी में यही हुआ है। बाद बाकी महिंद्रा की कोई भी गाड़ी हो, एक्सयूवी 300 हो या न्यू बलेरो हो या ओल्ड बलेरो हो, ठीक, या आपको क्या कहते हैं स्कॉर्पियो हो, सेवन सीटर हो या जो फाइव सीटर है, इसको हम S11 रेगुलर बनाते ही हाँ जी। ठीक है, या अभी जो 700 आया है, इसका हाँ। भी सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, बस सेवा का मौका भाई से चाहिए, चलिए गाड़ी लेके आके हमारे से काम करवा सकते हैं। उसके साइड वाइजर, रोड गानी, जो भी अन्य जितनी भी चीजें, सारा कुछ मिलेगा। चलो भाई, यहाँ पे बताया कि महिंद्रा XUV 700 का सारा इंटीरियर का सारा सामान मिलेगा। अच्छा, एक बार इसकी आवाज सुना दे। चलो एक बार हम आपको सुनाते हैं इसकी आवाज। जिनकी कार अभी कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। कैसा लगा काम आपको भैया का? सही लगा, काम ट्राई करेंगे तब बताएंगे आपको। अच्छा, काम सही होता? आपने पहले भी अपनी गाड़ी में काम करवाया भैया से? कैसा लगा था काम आपको? सही लगा, सही था। तभी आप दूसरी बार भी आए हैं। अभी आए कहाँ से? जिनके पास एक साथ वो 15-16 गाड़ी बोले थे कि एक ही नंबर का खड़ा है। अच्छा अच्छा, समझ गया। हाँ समझ गया समझ गया। हाँ, हमने वीडियो बनाया था। अच्छा भैया, कहाँ से आए आप? बरेली से। अब वही वाली गाड़ी है, ब्लैक स्कॉर्पियो बनाई थी हमने। चलो मतलब आगे भी आपको काम पसंद आया तो अब आगे भी आप आएंगे, जैसे आप आज आए आगे भी आएंगे, रिकमेंड भी करेंगे। और क्या भैया को पहले भी आए थे, पूरी संतुष्ट करके मैंने भेजा था, और इसी तरीके से आज भी कोई दिक्कत लगा भी आपको? दिक्कत होगी तो बताया। चलो ठीक है, चलो। यहाँ पे हुई अपनी महिंद्रा थार पूरी तरह से कम्प्लीट। तो विजय भैया, इस गाड़ी को रेडी करने में कितना टाइम लग गया आपको? भैया इस गाड़ी में अभी जैसे कि फुल काम नहीं था, ठीक, सीट कवर था और बाद में की सिस्टम का काम था। अच्छा भैया, एक चीज और, लाइट की काम था। हाँ जी, एक चीज पूछनी है मेरे को, इसके अंदर आप और क्या क्या कर सकते हो इंटीरियर में? इसके अंदर जैसे हम हेडलाइट चेंज कर देते हैं, ठीक, ठीक है जी, पूरा हाइड्रो डिपिंग पेंट होता है, बूटन होता है, वो कर देते हैं। ठीक, ठीक है जी। बाद बाकी जो आपकी ग्रिल चेंज करना हो, ग्रिल चेंज हो जाएगा, टेल लाइट चेंज करना हो, टेल लाइट चेंज हो जाएगा। अपना क्या कहते हैं, स्टेयरिंग माउंटिंग बटन लगाना हो, वो भी आ गया। इस तरीके से सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद आपको जैसे कि बेस मॉडल में आपको स्पीकर की ट्रे नहीं आता, वो ट्रे हमारे पास अवेलेबल है, तो इस तरीके से सारा कुछ मिल जाएगा आपको एक ही जगह। अच्छा भैया, अभी हमारे पास एक महिंद्रा की नई कार लॉन्च हुई है, XUV 700। हाँ जी, उसका सामान हमारे पास है। उसकी आपको साइड फुटर्स मिल जाएगा, फ्रंट एंड रियर लीप मिल जाएगा आपको, डोर वाइजर मिल जाएगा, सीट कवर मिल जाएगा, 70 मैट मिल जाएगा,
फ्लोरिंग मैट मिल जाएगा, सारे कुछ आपको मिल जाएगा एक ही जगह, एक ही जगह पे। हाँ जी ठीक। अब ये स्कॉर्पियो का स्टॉक है, ये स्कॉर्पियो तो जो आपको खरीदना हो जो कहीं नहीं मिलेगा वो क्रिस्टल पे मिल जाएगा। चलो भाई ये तो भैया बहुत बड़ी बात बोल, जो कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अच्छा भैया कुछ एक आध कॉस्ट पूछूंगा आपसे, जो कंपोनेंट हमने इसके अंदर डाले इन्फिनिटी के उसकी कॉस्टिंग कितनी है भैया? 5200 5200। भैया जो डी बास का हमने हेडवेंट डाला इसके अंदर, ये आपको 12500 रुपए की है। ठीक। अच्छा भैया एक चीज और, गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील हमने नहीं डाले, लेकिन अगर अलॉय व्हील किसी भाई बंधु को चाहिए आगे गाड़ी लेके आते हैं तो आप डलवाने में हेल्प कर देंगे? 30,000 के समथिंग अलॉय व्हील इसका मिल जाएगा, 30-32,000 के आसपास। चलो भाई यहाँ भैया ने बोल दिया। और पता है क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट जाके अगर आप करोड़ बाग आते हैं अपनी गाड़ी पे काम कराने, उसके बाद आप डायरेक्ट शॉप पे आते हो तो आपको उतना मार्जिन नहीं मिल पाएगा जितना विजय भैया को बोलोगे हमें दिलाओ, है ना भैया? हाँ जी। भैया की बातचीत वगैरह है मार्केट में, ना भैया? हाँ जी। चलो भाइयों, चलो भैया यही था हमारा आज के लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉन्टेक्ट कर सकते हो विजय भैया से। मिलते हैं फ्यूचर में और वीडियो से। विजय भैया का टिल देन बाय।